सो so, हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर टू के प्रोवेशंस को कवर किया था और चैप्टर टू के अंदर हमने फर्दर प्रोवेशंस को देखा था वी हैड कवर्ड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को कवर किया था देन इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस को कवर किया था अब आज हम कवर करेंगे ये दो टॉपिक कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन दो को कवर करेंगे इंटरनल एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस वॉट एंड ग्लोबलाइजेशन ये हमने ऑलरेडी फिनिश किया हुआ है ये गलती से यहाँ पे टिक लग गया था बट ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ये दो छोटे टॉपिक्स हैं आज इनको ख़त्म करके हम फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड वी रैप अप आवर चैप्टर नंबर टू सो एंड फ्राइडे को जब आपका लेक्चर होगा तो उसमें वी विल बी एबल टू पैकअप आवर चैप्टर नंबर वन सो चैप्टर वन चैप्टर टू फोर फाइव सिक्स तो आपके टोटल आठ लोगों ने शुरू किया था विद द विद्पिटेटिव स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी विच इज टू गेन द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और आप उसमें क्या करते हो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का जो कॉम्पिटिशन है वो आपको कहां से निकलता है वो आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट से निकलता है सो यू ट्राई टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स दो इंपैक्ट योर कॉम्पिटेशन उन फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करते हो और उसके हिसाब से आप वर्कआउट करते हो और इसी को आगे आप कनेक्ट कर सकते हो किसके साथ की सक्सेस फैक्टर के साथ सो so, हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है क्योंकि वही उसको क्या दिलवाएगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सो इन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी वी ट्राई टू गेन द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय आइडेंटिफाइंग द फैक्टर विच आर इंपॉर्टेंट टू द इंडस्ट्री एंड विच अराइजेज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट इज आउटसाइड द ऑर्गनाइजेशन फिर हमने यहाँ पर चेक किया था कि इसके लिए और हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा देन हैव टू आइडेंटिफाई देयर कस्टमर्स आइडेंटिफाइज देयर कॉम्पिटिटर्स और फिर यह देखना होगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कॉम्पिटिटर उसके पास जा रहा है राइट एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी में तीन ये क्वेश्चन अपने आंसर होंगे अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स डिलीवर द वैल्यू देन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स को आप एक और टर्म दे सकते हो इफ यू ट्राई टू यूज अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स इसको आप एक और टर्म यूज दे सकते हो मार्केट पेनेट्रेशन

सो दीज आर सम द स्मार्ट टूल्स विच यू कैन यूज़ टू मेक योर आंसर बेटर सो यहाँ पर वो आ जाएगा देन विच स्टैंड द कॉम्पिटेटिव प्रेशर एंड स्ट्रेंथ इन द मार्केट पोजिशन राइट हमने इन सब चीज़ों को देखा इसके अलावा हमने यहाँ पर कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप को डिस्कस किया था जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको अपने कॉम्पटिटर्स को और उसके बाद में उनका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और इसके हमारे पास पाँच स्टेप्स थे दैट यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर यू अंडरस्टैंड द कॉम्पटिटर हु इज योर कॉम्पिटेटर उसके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो उसके वीकनेस को आइडेंटिफाई करो क्यों क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो हमारे लिए थ्रेट होगा और उसका जो वीकनेस होगा वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा एंड इसके बाद में सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखो एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड योर स्ट्रैटेजी और आप अपने जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी उसको इसके साथ डेवलप करोगे फिर हमने यहाँ पर देखा था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विच ब्रॉडली कवर्स वॉट योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस जो कि हमने शॉट में ऑलरेडी कवर किया था सो द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एनालिसिस राइट हमने इसको देखा फिर हमने यहाँ पर ये गैप एनालिसिस वाला पॉइंट था इसको भी मैंने ब्रीफली आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सो so, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो आपसे वॉट इज द गैप एनालिसिस बट इफ यू राइट इन योर आंसर गैप एनालिसिस दैट यू नो थ्रू द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वी ऑल्सो डू गैप एनालिसिस या जब हम फीडबैक लेते हैं बर वी हैड कवर्ड दिस यहाँ पर जब आपको फीडबैक मिलता है तो यहाँ पर कहीं पर आप ले सकते हो क्या गैप एनालिसिस दिस फीडबैक इज थ्रू अ गैप एनालिसिस तो जब आप यहाँ पर गैप एनालिसिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कहाँ पर गड़बड़ हुआ था फॉर्मुलेशन में दिक्कत था इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत था या हमारा ये जो हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस किया था यहाँ पर हमारे को मिस्टेक में रहा था सो विल कवर दैट एज वेल फिर आप फर्दर देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है राइट और फिर हमने देखा था स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ में क्या क्या एनालिसिस में क्या क्या इशूज़ यहाँ पर हमारे पास रहते हैं फिर हमने चेंजेस अनसर्टेनिटी रिस्क इन सबको देखा फिर हमने यहाँ पर ये यह सब मैंने आपको रीड करने को बोला था सो हैव यू गाइज रेड ऑल दीज क्या किसी ने इन सब को पढ़ा क्या आप में से किसी ने इन सब चीजों को पढ़ा जो मैंने रीड करने को दिया था डू रीड अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसको मे बी मैंने आप लोगों को लिंक लेट भेजा तो ओके okay, तो यहां पर मनीषा और अमर ने बोला कि हमने पढ़ा सो कुड यू डिड कुंड एनी थिंग डिफरेंट ईयर और इट वॉज अगेन द सेम थिंग वट वी हैड स्टडीड पता नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ वॉज इट द सेम थिंग वट वी हैड रेड और इज इट समथिंग डिफरेंट कुछ नया आपको यहां पर मिला सेम राइट सो यहाँ पर अगेन जैसे मैंने आपको बताया था रिपीटेड पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो आई नीड नॉट डिस्कस दैट क्योंकि अगर आप इसको रीड भी कर लोगे तो अगेन आपके लिए ईजी रहेगा और कुछ पॉइंट uh, आपको यहाँ पर मिलेंगे फिर हमने यहाँ पर देखा था कि अब देखो गई एक और चीज ध्यान रखना देखो मनीषा एंड अमर यहाँ पे इन दोनों ने इसको पढ़ा है बाकी लोग ये मत सोचना कि चलो सेम है तो पढ़ कर क्या फायदा आपको मैं बताता हूँ इसको आप रीड कर लेना यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको डेफिनेटली अपने आंसर में लिखने के लिए मिल जाएगा राइट ये आपको लिखने के लिए मिल जाएगा मैंने इसको दो तीन बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया सो so अगर मैं सेम पॉइंट को यहां पर बताऊँ तो इट वुड बिकम लिटिल यू नो मोनाटोनस फॉर यू की अरे यार क्या एक ही एक बात तो बोले जा रहे सर ठीक है ना बट अगेन आपके लिए एक बार रीडिंग करने के लिए इट तो विल भी गुड फॉर यू राइट फिर आप देखिए यहां पर हमने देखा था इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव एनालिसिस के लिए फिर हमने डोमिनेंट फीचर्स देखे थे तो यहाँ हमने इसको स्ट्रेट अवे कनेक्ट किया था किसके साथ माइकल पोटर फाइव फोर्सेस के साथ राइट सो माइकल पोर्टर फाइव फोर्सेस के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे और माइकल पोर्टर के साथ हमने जब इसको कनेक्ट किया तो जो जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है उसके साथ ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट आ गया था राइट दे नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिशन दिस विल ट्रिगर द चेंज फिर यह ड्राइविंग फोर्स मैंने आपको ये भी रीड करने को बोला था द सेम पॉइंट राइट फिर आप ये देखें स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग हमने इसको भी कवर किया था और स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में मैंने आपको बताया था आप अपने एक बेसिकली सबसे पहले तो क्या करोगे अपने कॉम्पिटिटर्स का ग्रुप बनाओगे और ग्रुप बनाकर चेक करोगे कि वहाँ पर कौन कौन किस रैंकिंग है बेसिकली विल गिव रैंकिंग टू योर कॉम्पिटिटर्स एंड अकॉर्डिंगली आप वर्क करते हो फिर इसमें हमने ये इसका प्लॉटिंग भी देखा था हाउ डू वी प्लॉट द स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग हमने ग्राफ बनाकर इसको समझा था राइट right? किसी ने अगर अटेम्प्ट किया हो तो प्लीज फील फ्री टू तो शेयर दिस तो ये हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया राइट तो ये आ गया आपका पोर्शन ओके फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव्स ऑफ द राइवल्स तो ये आपको मैंने रीड करने को बोला फिर के एस एफ वाला पॉइंट आता है जो मैंने आपको बताया थ्री टू फाइव मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है की सक्सेस फैक्टर्स तो ये अपना पोर्शन हो गया की सक्सेस फैक्टर्स का देन अट्रैक्टिवनेस के लिए मैंने आपको बताया था दिस यू हैव टू रीड और आज हमें शुरू करना है किसके साथ कोर कॉम्पिटेंसी के साथ यहां तक अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है या नहीं अच्छा लेक्चर के एंड में नेहल दिव्यांशी आप दोनों लेक्चर को एग्जिट नहीं करोगे यू टू सेट देयर ओनली मैं आप लोगों का जो शीट है वो हाथों हाथ ही चेक कर दूंगा लाइक आपके सामने ही उसको मैं चेक कर दूंगा सो मतलब वो फ्लो में आपका कनेक्ट हो जाएगा आपका आंसर क्योंकि नेरल आपका काफी टाइम से दिव्यांशी आपका भी काफी टाइम से ड्यू है आंसर चेक होना तो आप लेक्चर के एंड में जस्ट वेट कर लेना आई विल चेक योर आंसर तो वहीं पर इमीडिएटली आप दोनों के जो पॉइंट्स होंगे उसको मैं केटर करके आई विल गिव इट टू यू ऑल राइट सो जस्ट इन केस आई फरगेट आप लोग एग्जेट मत करना एंड बाकी लोग प्लीज आप लोग भी अपने आंसर्स को लिख के जब सेंड करोगे आई विल चेक योर answers and get back to you all. और आज आपको काफी सारा questions का list मिल जाएगा, because once we do chapter two, तो so lot of questions are there which uh, has been asked in the exam from chapter two, so that you can practice and you can go ahead with that, right? So core competency में अगर आप देखो, तो देखो normally अगर हम बात करते हैं core competency, सिर्फ general आप देखो, core competency क्या होगा? कि आपका ऐसा क्या point है, जिससे आप अपने competitors को off beat करते हो, या उनको आप beat करते हो, ठीक है? कोर कॉम्पिटेंसी अगेन एक आपका एक ऐसा एबिलिटी होगा जिससे आप अपने कॉम्पिटेटर से आगे रहते हो जो आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है इट कुड भी एनीथिंग कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर इट कुड बी योर कॉस्ट जैसे आप एमेजोन के लिए बात करो तो आप बोलोगे यार उसका कॉस्ट डिलीवरी बहुत ज्यादा फास्ट है कॉस्ट बहुत अच्छा है मतलब यू नो काफ़ी सस्ते प्राइस में देता है सेम वे इफ यू टॉक अबाउट बिग बाज़ार इससे सस्ता नहीं तो यू you नो know, वो उनका कोर कॉम्पिटेंसी हो गया टाटा के लिए अगर आप बात करो तो उनका कोर कॉम्पिटेंसी हो गया ब्रांड ब्रांड लॉयल्टी राइट सो इस तरह से करके पॉइंट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका कोर कॉम्पिटेंसी हो सकता है आपका जो गुड्स का क्वालिटी है वो आपका कोर कॉम्पिटेंसी हो सकता है कस्टमर लॉयल्टी आपका कोर कॉम्पिटेंसी हो सकता है द डिजाइन कुड बी द कोर कॉम्पिटेंसी राइट द डिजाइन ऑफ द गुड्स आर सो नाइस कि आप यू नो कस्टमर्स आपके पास वहां पे अट्रैक्ट होते हैं इट कुड बी एनी थिंग इट कुड बी एनी थिंग कोर कॉम्पिटेंसीज आर वट अगेन आप देखना एक्सपेक्ट दिस फॉर थ्री टू फाइव मार्क्स हम काफ़ी सारा इसमें पढ़ेंगे बट एक्सपेक्ट दिस फॉर थ्री टू फाइव मार्क्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है सो कोर कॉम्पिटेंसीज आर द केपेबिलिटीज दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कोर कॉम्पिटेंसी बिल्कुल ये एग्जाम्पल में एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे प्लीज राइट दिस लाइन दैट वट इज़ कोर कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसीज आर द केपेबिलिटीज ये मतलब हम क्लास में नहीं है नहीं तो मैं लिटल में बच्चों की तरह आपको रीड करवा देता नहीं अभी एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उन्हीं को हम क्या बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किस में मिलता है फॉर अम ओवर इट्स राइवल्स राइक देन वी है प्रहलाद एंड गैरी हामिल सीके प्रहलाद सर के बुक्स को अगर आप जस्ट खाली गूगल करोगे यू विल गेट टू नो बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है काफी सारा पॉइंट्स आपको आपको इनका बुक्स बुक्स अच्छे अच्छे इनके रिगार्ड में मिलेंगे राइट सो प्रहलाद एंड गैरी हैव एडवोकेटेड द ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी विच इज वाइडली यूज इन द मैनेजमेंट थ्योरीज डिफाइन कोर कॉम्पिटेंसी एज द कलेक्टिव लर्निंग इन दर्गेनाइजेशन स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स

एंड रैदर उन्होंने ये बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो एक साथ जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे जैसे क्रिकेट टीम के अंदर हम बोलते हैं यार एक बैलेंस क्रिकेट टीम है अपने पास बैट्समैन भी अच्छे हैं फॉर्म में है बॉलर्स भी अच्छे हैं वो भी फॉर्म में कुछ ऑलराउंडर्स भी हमारे पास अच्छे फील्डर्स भी अच्छे सारे जो क्रिकेटर्स हैं टीम का फिटनेस ओवरऑल काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग है, है तो आप उसमें क्या बोलते है? Overall, right? so अगर आप कंबाइन कर दो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बन जाएगा उसके कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर देगा जो कि आपके कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए काफी अच्छा रहेगा जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है मैनेजरियल नो हाउ नो वट यू मीन बाई मैनेजरियल नो हाउ आपके पास जो टीम है वो काफी अच्छा है आपके पास एक सुपीरियर टीम है यहाँ पर देन एक्सपीरियंस आपके पास है विजडम जो डिसन लेने की क्षमता करेक्ट सही डिसीशन लेने की क्षमता कैपेबिलिटी उसको हम यहां पर विस्डम ये सब चीजें आपके पास है जिसके वजह से सुपीरियर रिसोर्सेज है ऑन ऑल दिस लीड्स टू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो आप यहाँ देखो जैसे बताया ये वापस से रिपीटेड पॉइंट है देखो कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड टेक्निक्स रादर देन इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट टेक्निक आप देखो टू वर्ल्ड कप राइट अकेला शहवाग वहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रहा था मतलब बैटिंग अच्छा किया फ़ाइनल के अंदर वर्ल्ड कप फाइनल में इफ़ सचिन या लेट्स से सौरव गांगुली या राहुल द्रविड कोई भी और प्लेयर वहाँ पर थोड़ा सा उनको और सपोर्ट मिल जाता तो मे बी इंडिया कुड हैव चेस्ड दैट टोटल एंड ऑस्ट्रेलिया को बीट कर देते बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको नहीं कर पाए तो यहाँ पर वही वाला बात आता है कि कॉम्पिटेंसी आपका कब डेवलप होता है इट इज़ नॉट ऑन द इंडिविजुअल स्किल इट इज़ ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्किल्स एंड टेक्निक्स उससे आपका कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा टेक फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ डिलीवरी uh, फास्ट करते हो बट आपका क्वालिटी अच्छा नहीं होता तो लोग आपके पास नहीं आएंगे या आपके पास आपका डिलीवरी लेट है बट क्वालिटी अच्छा है तो भी लोग आपके पास नहीं आएंगे सो ऑल दो आते हैं कि आपको सिर्फ एक चीज नहीं देखना आपको काफी सारे चीजों को यहाँ पर देखना होगा देन फॉर कॉम्पिटेंसी इट इज कैरेक्टरिस्टिक टू हैव अ कॉमन वोल ऑर्गेनाइजेशन आप देखो ये क्या करता है वोल ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज देयर सेवरल सेपरेट इंडिविजुअल केपेबिलिटीज तो इंडिविजुअल केपेबिलिटीज को कंबाइन कर दो वो आपका यहां पर क्या बन गया कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज तो दिस गिवस यू कोर कॉम्पिटेंसी इसके अलावा दे फॉर कोर कॉम्पिटेंसी के नॉट बिल्ड ऑन वन केपेबिलिटी और सिंगल टेक्निकल नो हाउ इनस्टेड इट हैजू बी डन विद इंटीग्रेशन अगेन देखो आप ये रिपीटेड पॉइंट आ रहे हैं देन दिमलिटेंसी इज द कंसिडरेशन ऑफ फाइव टू फिफ्टीन एरिया ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज ये याद रख लेना अगर आप इसको लिख सको तो दैट कोर कॉम्पिटेंसी में इट इज द ऑप्टीमल वे टू डिफाइन कोर कॉम्पिटेंसी टू कंसिडर फाइव टू फिफ्टीन एरियाज ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज वो जाकर फिर क्या बन जाता है आपके लिए एक प्रॉपर कोर कॉम्पिटेंसी आगे देखिए सीके प्रहलाद सर एंड गैरी हमल सर ने यहाँ पर क्या बताया दैट मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन थ्री एरियाज डिफरेंसिएफ्रेंसिएशन आई नीड नॉट एक्सप्लेन यू सो मच इन डिटेलिए कॉम्पिटेटिव डिफरेंसिएशन में क्या हो जाएगा कि आप अपने से कितने अलग हो वो आ जाता है आपका किसका कॉम्पिटेटिव डिफरेंसिएन कस्टमर वैल्यू वो जैसे बोलते हैं ना प्राइस इज वॉट यू पे वैल्यू इज वॉट यू गेट सो कस्टमर वैल्यू वेन यू डि गिव डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर्स वो वाला पॉइंट एंड देन एप्लीकेशन टू द अदर मार्केट दैट्स योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट्स योर मार्केट डेवलपमेंट राइट और किस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हाउ वेल यू हैव इंटीग्रेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसके ऊपर पॉइंट आता है अब ध्यान रखना हो सकता है आपको शॉर्ट नोट इसके ऊपर मिल जाए कॉम्पिटिटिव डिफ्रेंसिएशन के ऊपर इसके ऊपर हो सकता है आपको एक, एक एग्जाम में शॉर्ट नोट मिल जाए और देखो ये मतलब पहली बार होगा कि आपके पास मेरा लिखा हुआ ये सारा नोट्स रहेगा पता अब नॉर्मली अगर क्लास में मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो वो इरेज कर देता हूँ आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहता अब आपके पास पूरा वीडियो रिकॉर्ड रहेगा कि सर आपने बताया था ये शॉर्ट नोट आएगा ये शॉर्ट नोट नहीं आएगा सेम पे मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि देखो ये मैंने बोला था ये शॉर्ट नोट आएगा ये शॉर्ट नोट नहीं आएगा राइट सो so, आप ध्यान रखना ये जो जो चीजें मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट बता रहा हूँ मतलब विथ फुल कन्वेंशन में आपको बोल रहा हूं कि पेपर इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा मतलब इन्हीं इन्हीं मीनस जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है इन इन तरीके से आप इनको बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना की सक्सेस फैक्टर ये वैसा रहेगा रहे आपके लिए ये सारे टॉपिक्स जिस पर मैं इस तरह से स्टार लगा रहा हूँ कि ये रेलेवेंट है ये आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे और इनमें आपको बस खाली ध्यान क्या रखना है आपको टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना है बिकॉज आपके टर्मिनोलॉजीज तो अगर उन्नीस बीस हुए तो इवन दो यू ट्राई टू यू नो कन्वे थिंग्स वेल बट इट विल कन्वे समथिंग एल्स इफ यू रिमेंबर मैंने अभी कॉर्पोरेट री स्ट्रक्चरिंग का सी एस फाइनल वालों का मैंने दो वीडियोस रिसेंटली अपलोड किया जिसमें मैंने उनके पास पेपर्स को डिस्कस किया सेकंड वीडियो में आप लोगों ने तो डेफिनेटली उसको नहीं देखा होगा वहां पर भी मैंने यही बताया उनका चैप्टर वन जो है इंट्रोडक्शन वो आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से काफी मिलता जुलता है सो इफ एनी यू नो वॉचिज दैट वीडियो और समथिंग तो उसमें आप देखो आपके टॉपिक्स बहुत सारे वहां पर मिलेंगे और तो उसमें उस वीडियो के अंदर मैंने मैंशन भी किया है द सेम एग्जाम्पल आई गिव टू सी ए इंटर स्टूडेंट्स वेन आई टीच देम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज स्टिल सेम तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है ना इसमें उनको डेफिनेटली हर बार पांच से दस मार्क का क्वेश्चन मिलता ही है और ज्यादातर क्वेश्चन नंबर जो होता है वो इन्हीं से आता है लाइक क्वेश्चन नंबर का पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी ये तीन में से कोई दो क्वेश्चन नंबर जो वन रहेगा वो चैप्टर वन से निकल के आता है अब आपको मैं बताता हूँ वो चैप्टर वन जो है वो सबको इतना जेनेरिक लगता है कि अरे यार सब में तो आंसर सेम है लेकिन देखो कॉन्सेप्ट वही है वो टोटल अगर मैं आपको बताऊं ओल्ड सिलेबस वालों की बुक्स है नौ पेज का चैप्टर था क्वेश्चन वही नौ पेज से पूछते और पूछतेप्ट एक ही है बट वो क्या पूछ रहे है? उसके ऊपर डिपेंड करता है ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं ब्लफ करके आ जाते थे लिखना तो वही चाहते हैं पर ब्लफ करते अभी होता क्या है पांच में से उनको फिर क्या स्कोर मिलता है या तो एक मिलेगा या दो स्कोर मिलता है किसी ने बहुत ज्यादा रेलिवेंट लिखा तो थ्री अब अच्छा आंसर लिखते हो तो आपको क्या मिल जाता है फोर अब दिक्कत क्या होता है थ्री और फोर में मेरे को तकलीफ नहीं है थ्री और फोर मीन्स थ्री ऑन फाइव दिस रिप्रेजेंट्स वट कि आपको सिक्सटी परसेंट स्कोर मिला है तो आपको एग्रीगेट कितना चाहिए फिफ्टी इंडिविजुअली आपको कितना चाहिए फोर्टी तो हर क्वेश्चन में अगर आपको थ्री भी मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आप एग्जामेशन के स्कोर तक आ गए वेन यू गेट टू ना देन आप एग्रीगेट में फंसते हो देन आप एग्रीगेट में फंसते हो और कई लोग इसमें फोर्टी नहीं क्योंकि आपको यहां पर टू मिला है कुछ और आंसर होगा जिसमें आपको वन मिला तो दैट्स वेयर स्टूडेंट्स लूज देयर स्कोर अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो आप देखो हालांकि ये आपका रेलेवेंस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा बट आई कैन जस्ट शो इट टू यू कि क्या प्रॉब्लम होता है सर्टिफाइड कॉपीज अगर मैं आपको स्टूडेंट्स का देखाऊँ ये ये उन स्टूडेंट्स का सर्टिफाइड कॉपी है जिनको स्कोर कम मिला है ठीक है और इनका स्कोर कम मिलने का कारण ही क्या था मतलब ये सब मेरे पास है आप ये देख रहे हो ये देखो दिस इज फोर ऑन फाइव कोई प्रॉब्लम नहीं बट आप देखो टू ऑन फाइव टू ऑन फाइव जीरो ऑन फाइव आप ये देखते हो सॉरी हाँ, ये फोर ऑन फाइव वन ऑन फाइव जीरो आठ मिला तो फोर्टी परसेंट स्कोर आया और आप देखो इनका एवरेज भी यहां पर कितना निकल के आता है फोर्टी चार पार्ट्स थे तो क्वेश्चन नंबर वन जो था ये ट्वेंटी मार्क्स का था ट्वेंटी तो में से इनको एट मिला अभी ये क्वेश्चन आप देखो इनको फिफ्टीन में से फोर मिला भी अगर आप ये चेक करो दिस फॉर 15, 15 मिला ट्वेंटी 15, 15 में फोर्टीन so 20, 20 मिला तो आप देखो ऑन एन एवरेज इनका थर्टी टू फोर्टी परसेंट स्कोर था और आप देखो ओवरऑल स्कोर कितना आया फोर्टी फोर अब जब आप आंसर अच्छा लिखते हो तो मार्क्स मिलता है इनको लेकिन जब आप आंसर अच्छा नहीं लिखते तो फिर मार्क्स आपको नहीं मिलता आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने आंसर देखा भी इसमें आप ज्यादा क्लिक नहीं कर पाओगे प्रोविजन्स को बट मैं किसी का भी आंसर कॉपी आपको यहां पे दिखाऊं लाइक दिस स्टूडेंट ये एक मेरा पुराना स्टूडेंट है जो एक क्रैश कोर्स में आया था राइट अ गुड गाय गुड स्टूडेंट खराब नहीं बोलूंगा बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या इसका जब ये रिजल्ट आया था तब तो उसने यही बोला था सर अगेन द स्टोरी रिमेन सेम लैंग्वेज आप ये देखो थ्री ऑन फाइव टू ऑन फाइव वन ऑन फाइव थ्री ऑन फाइव तो आप देखो ओवरऑल पंद्रह में से कितना आ गया नौ no. फिर आप देखो पंद्रह में सॉरी ट्वेंटी में से कितना आया नाइनटीन फिर आप देखो पंद्रह में से सात पंद्रह में से आठ फिर आप ये देखो पंद्रह में से अब देखो ओवरऑल फिर इनका स्कोर कहां पर आ जाता है यही रीजन होता है तकलीफ हो जाता है सबका आंसर मैं किसी का भी आंसर आपको चेक कराऊर इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइंड ये प्राइम वर्जन के अंदर ही मेरे किसी क्रैश कोर्स के अंदर आई थी आई टेल यू दिस गर्ल

फाइव मार्क्स के लिए देखो ऑलमोस्ट दो पेज स्कोर कितना दिया है थ्री सेम वे आप यहां पर देखो इस वाले आंसर को ये देखो आप ही के जैसे प्रोविजन है यहां पर राइट right? ये देखो ये पूरा आंसर लिखा ये देखो दो पेज का पूरा आंसर दो ढाई पेज का आंसर लिखा स्कोर कितना दिया टू बिकॉज आपका कॉन्टेंट नहीं अब प्रॉब्लम क्या है पता है अब देखो यहां पर इन्होंने फेंका है ये पेज में रेलिवेंट पॉइंट दिया लेकिन दिक्कत क्या है एग्जामिनर ये यह देखो यहां पर जो इन्होंने लिखा ना टू से इनका आंसर रेलिवेंट है बट प्रॉब्लम क्या है एग्जामिनर जब ये पूरा पढ़ेगा तो उसको लगेगा अच्छा बच्चा फेंक रहा है फिर यहां पर ये कॉन्टेंट देखता तो देखो उसका इंपैक्ट क्या हो गया टू मार्क्स सेम वे आप यहां पर देखो बहुत सारे आंसर्स में टू वन राइट टू टू देखो ये ये दिक्कत दे देता है ये है तो आपको पता नहीं चलता हर क्वेश्चन में आप एक 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 नंबर करके लूज करते हो एंड हाउ यू लूज वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रैश कोर्स में मेरे पास आते हैं उनका एक अटेम्प्ट ऑलरेडी गड़बड़ हो चुका है एंड वेन दे कम तो उनसे सबसे पहले मैं एक ही बात दैट वट वॉज योर स्कोर और जब उनका स्कोर फोर्टीज में होता है या वो बोलते हैं सर एग्रीगेट नहीं बन रहा तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ द मोमेंट आई गेट सर्टिफाइड कॉपी प्रॉब्लम समझ तो में आता है और सबके में प्रॉब्लम मेरे को कॉमन ही दिखता है कि कंटेंट तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ये कॉम्पिटर डिफरेंसिएशन आप यहां पर ध्यान रखना है दैट इज द रीजन मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप लोग लिख के आंसर करो बिकॉज एस में भी ऐसा ही है SM में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपका कॉन्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इफ योर कॉन्टेंट इज करेक्ट देन यू गेट द मार्क्स अदरवाइज आपके कॉन्टेंट में कुछ उन्नीस बीस हुआ तो आपको मार्क्स लूज आउट कर जाओगे राइट right? सो so, आप देखिए यहां पर कॉम्पिटिटिव डिफ्रेंसिएशन पे तो मैं काफी कुछ यहां पर लिखा हुआ है इसको इरेज कर देता हूं या सो कॉम्पिटिटिव डिफरेंसिएशन सो दिस इज वन ऑफ द थ्री कंडीशन एंड द कंपनी कैन कंसिडर कोर कॉम्पिटेंसी इफ इट हैज आप ये देखो इफ इट हैज कॉम्पिटेंस इफ द कॉम्पिटेंस इज यूनिक आपको पता है डिफ्रेंसिएशन आती यूनिक वर्ड आपके पास आना चाहिए कॉम्पिटेंस इज यूनिक दैन इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटेटर्स टू इमिटेड आप मुझे बताओ माइकल पोटर ये अपना प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी एक्जैक्टली आ गया कि नहीं चैप्टर फाइव से आप इसको लिंक करो ये एग्जैक्ट आपका रिपीटेड पॉइंट हो गया एंड दैट इज द रीजन आपको मैंने वो वाला चैप्टर पढ़ाया अब यह आपके लिए बिल्कुल ईजी है इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटेटर्स टू इमिटेड कॉपी करना राइट दिस विल प्रोवाइड वर्ट दिस विल प्रोवाइड द कंपनी एंड एज एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटेटर करेक्ट और इससे कंपनी को क्या होगा दे विल बी एबल टू प्रोवाइड वट द कंपनी विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेस और प्रोडक्ट्स टू द मार्केट विद नो फियर दैट द कॉम्पिटेटर्स कैन कॉपेटिवेट इसके बाद कंपनी को और क्या करना चाहिए डिफ्रेंसिएशन है ना आपको अलग रहना है यू शुड कीप ऑन इंप्रूविंग करेक्ट सो यू शुड कीप ऑन इंप्रूविंग दी स्किल्स इन ऑर्डर टू सस्टेन द कॉम्पिटेटिव पोजिशन करेक्ट

सपोज करो मैंने अमर का आंसर चेक किया अमर के आंसर को चेक करने के बाद अगर मैं किसी और का आंसर चेक कर रहा हूँ लेट्स से मैं मनीषा का आंसर चेक कर रहा हूँ और मनीषा के आंसर में मुझे कमी नज़र आ रही है मतलब आफ्टर रीडिंग खराब नहीं है बट अमर के आंसर को पढ़ने के बाद मनीषा एंड ऑनवर्ड्स मैं जिसके भी आंसर्स को चेक कर रहा हूँ उनके आंसर में अगर मुझे वो इन्फीरियर दिख जाता है तो अमर ने स्टैंड आउट कर लिया क्योंकि जहाँ अमर को मैंने थ्री दिया इसके पहले वाले आंसर्स जो मैंने चेक किए उसमें तो कोई मार्क्स में चेंज नहीं होगा तो वहाँ पर सपोज मैंने किसी को दिया एज एग्जामिनर मैं आपको बताता हूं, मेरा मन करेगा कि नहीं उसको उस आंसर पे अगर मैंने दिया तो अमर को मेरे को कितना देना चाहिए फोर देना चाहिए अब दिक्कत क्या होगा फोर के बाद अब यहां पर जिनका भी आंसर्स रहेगा इनको फिर क्या मिलेगा कम स्कोर मिलेगा तो ये होता है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है सो इफ वन कंपनी कैन परफॉर्म

Uh, the second condition to be met is customer value. So, when purchasing a product or services, it has to deliver the, it has to deliver the product has to deliver the fundamental benefit to the end customer in order to be a core competence, right? अगर आप वो value नहीं दोगे, तो अगेन customers आपके पास नहीं आएगा. Same way आप check करो, classes के अंदर कई बार जैसे बात होता है. कि ठीक है सर आप मस्ती करके पढ़ाते हो बड़ा एंटरटेनमेंट होता है बड़ा रिलैक्सिंग होता है क्लास के अंदर बट अल्टीमेटली मैं तो हमेशा इस तरह से बताता हूँ जो रिजल्ट डेट है उस दिन अगर मस्ती करने का मौका दे सकूँ मैं तो फ़ायदा नहीं तो बेकार करेक्ट अल्टीमेटली सो यहाँ पर वही वाला चीज़ होता है कि क्लास में अगर आप आए हो यू शुड गेट दैट क्वालिटी एजुकेशन सुपीरियर एजुकेशन एंड इफ़ यू कैन नॉट डिलीवर दैट देन देर इज़ अ प्रॉब्लम एंड इफ़ यू कैन डिलीवर दैट तो आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर यू uh, नो you know, कोर कॉम्पिटेंसी आ गया सेम गोज बोलते ना बच्चों में ऐसे होता था कि बच्चा बड़ा बदमाश है बहुत खेलता है ठीक है बहुत शैतानी करता है बट अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आ जाता है तो वो बच्चा अच्छा है और बच्चा अगर अच्छा है शांत है पर रिजल्ट नहीं देता तो फिर वो नलायक उसको बोल देते हैं सो दैट इज हाउ इट गोज फॉर द कस्टमर्स फ्रॉम द कंपनीज आल्सो दैट इफ दे कैन डिलीवर द फंडामेंटल बेनिफिट टू द एंड कस्टमर आपका कोर कॉम्पिटेंसी डिलीवर हो जाएगा और अगर वो नहीं तो फिर आपके लिए तकलीफ है राइट सो इट विल इंक्लूड ऑल द स्किल्स दट आर नीडेड टू प्रोवाइड द फंडामेंटल बेनिफिट राइट ये अब देखो ये ऑल द स्किल्स अगर नहीं लिखते तो भी पता था बिकॉज कोर कॉम्पिटेंसी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी के ऊपर नहीं आता इट इज अ कंसोलीटेड बेनिफिट विच यू नीड टू प्रोवाइडेड टू योर कस्टमर्स एंड यू अगोइंग टू बिल्ट द कोर कॉम्पिटेंसी द सर्विस और द प्रोडक्ट हैज टू हैव अ रियल इंपैक्ट ऑन द कस्टमर एज द रीजन टू चूज टू परचेज दम राइट and if the customer has chosen the company without this impact then the competence is not core competency and this will not affect the mar company's market position so there has to be something why a customer should come and buy your product right so deliver not just the product but also reason as to why customer should buy that product Agar aap ye kar pate ho, तो आप यहां पर कोर कॉम्पिटेंसी डिलीवर कर पाओगे बिकॉज दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज कस्टमर वैल्यू आप मुझे बताओ कस्टमर वैल्यू आपको क्लियर हुआ कस्टमर वैल्यू आपको क्लियर हुआ ओके okay, फिर आप देखिए द लास्ट कंडीशन रेफर टू एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू द अदर मार्केट इज वॉट इट इज दैट कोर कॉम्पिटेंसी मस्ट बी एप्लीकेबल टू द दर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इट कैन नॉट बी टू द ओनली वन पर्टिकुलर स्किल ऑफ एरिया और एक्सपर्टीज तो जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल आपका ये रहना चाहिए जो भी कोर कॉम्पिटेंसी जिसके थ्रू आप डेवलप करोगे ऑल्सो सम स्पेशल कैपेबिलिटीज वुड बी एसेंशियल एंड फॉर द द सक्सेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इट विल नॉट बी एज अ कोर कॉम्पिटेंसी आप ये ध्यान रख लेना सम स्पेशल कैपेबिलिटीज वुड बी एसेंशियल और क्रूशल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कोर कॉम्पिटेंसी इफ इट इज नॉट फंडामेंटल टू द दर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हो सकता तो अगेन आप उसको कोर uh, कॉम्पिटेंसी के लिए डेवलप नहीं करोगे या उसको कंसिडर नहीं करोगे वो केपेबिलिटी के लिए कोर कॉम्पिटेंसी इज अक सेट ऑफ एक्सपर्टीज विच विल बी यूज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टू ओपन अप पोटेंशियल मार्केट टू बी एक्सप्लोयटेड दिस इज देर देखो इफ द अब थ्री कंडीशन आर मेट द कोर कॉम्पिटेंसी इज डेयर तो आपको एक एग्जाम में फाइव मार्क का अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मिलेगा तो इन दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू हाउ कोर कॉम्पिटेंसी कैन बी डेवलप्ड राइट सो द कोर कॉम्पिटेंसी कैन बी डेवलप्ड विद दीज थ्री थिंग्स वट इज कोर कॉम्पिटेंसी वट इज कोर कॉम्पिटेंसी एंड हाउ कोर कॉम्पिटेंसी कैन बी डेवलप्ड तो आपका ये आंसर हो जाएगा तो आप बिल्कुल इस आंसर को लिखोगे राइट right? आई होप ये आपके दिमाग में सेट हुआ होगा अब देखो ये आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स में बता रहे हैं कि देखो कोर कॉम्पिटेंसी इज विजिबल इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया मार्केटिंग एंड सेल इज कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ हिंदुस्तान यूनिवर दिस मीन्स दट एचुएल यूजेस इट्स रिसोर्सेज टू फॉर्म मार्केटिंग रिलेटेड केपेबिलिटीज दैट विल इन टर्न अलाउ द मार्केट टू परचेज इट्स प्रोडक्ट इन अ वे दैट आर सुपीरियर टू ऑफ कॉम्पिटिटर्स बिकॉज ऑफ दिस कोर कॉम्पिटेंसी इज एबल केपेबल ऑफ लॉन्चिंग न्यू ब्रांड्स इन द मार्केट सक्सेसफुली सो दिस इज वन एग्जाम्पल विच दे आप गिवन फॉर एच यू एल फिर आप ये देखिए कोर कॉम्पिटेंसी परफॉर्म इज वॉटर इट डज इट्स बेस्ट आप ये भी लाइन एग्जाम में यूज कर सकते हो वट इज कोर कॉम्पिटेंसी वॉट एवर इट कैन डू इट्स बेस्ट जैसे वॉलमार्ट है वॉलमार्ट अभी इंडिया में एंटर किया नहीं है फ्लिपकार्ट में उन्होंने स्टेक लिया है बट वॉलमार्ट जिस भी आप थोड़ा सा इसके ऊपर गूगल रिसर्च करना वॉलमार्ट जिस भी कंट्री में जाता है वहाँ के रिटेल मार्केट को खत्म कर देता है खुदरा व्यापार जिसको बोलते हैं उसको खत्म कर देता है बिकॉज वॉलमार्ट से सस्ता कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता वॉलमार्ट से ज्यादा सस्ता आपको कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाता इसीलिए जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में स्टेक लिया था तो बहुत सारे रिटेलर्स ने प्रोटेस्ट किया था कि नहीं आप वॉलमार्ट को अलाउ मत करिए इंडिया में आने के लिए बिकॉज उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगा मार्केट खत्म कर देंगे ऑलरेडी ई कॉमर्स मार्केट की वजह से हमारा यू नो बिजनेस कंट्रीज राइट सो देखो वॉलमार्ट लोअरिंग इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई वॉलमार्ट आपने बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में भी पढ़ा था यू रिमेंबर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एम्प्लॉय आप ये देखो वॉलमार्ट का आप अगर रेवेन्यू देखो सो दिस गोस 523.964 बिलियन यूएस डॉलर्स, इनका नेट इनकम आप देखो 14.881 बिलियन डॉलर्स, आप देखो बहुत ज्यादा वॉलमार्ट के लिए आप यहां पर कुछ भी चेक कर सकते हो और इसको रिसर्च करो देखो आपको बहुत सारा डेटा यहां पर मिलेगा यू सी दिस इज दिस इज द वॉलमार्ट डेटा राइट आपको और डेटा यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मिल से जाएगा रिसर्च करना वॉलमार्ट के बारे में गेट गुड नंबर अबाउट राइट सो वॉलमार्ट का कोर कॉम्पिटेंसी क्या है कि वो क्या करता है लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट रखता है द कॉस्ट एडवांटेज ऑफ वॉलमार्ट हैज क्रिएटेड फॉर इट सेल्फ अलाउड द रिटेलर्स राइट अलाउड द रिटेलर टू प्राइस द गुड्स लोअर देन मोस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटेटर वो अपना खर्चा कम रखता है और उससे आपको सबसे सस्ता प्राइस देता है राइट द कोर कॉम्पिटेंसी इन दिस केस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंपनीज एबेबिलिट एबिलिटी टू जनरेट लार्ज सेल्स वॉल्यूम ठीक है एंड देन अलाउिंग द कंपनी टू रिमेन प्रॉफिटेबल विथ लो प्रॉफिट मार्जिन तो ये आपके पास है कोर कॉम्पिटेंसी देखो मैंने आपको पहले भी बताया था प्रॉफिट अगर आपको जनरेट करना है तो दो तरीका है या तो आप क्या करो नंबर ऑफ यूनिट्स उसको बढ़ा दो या फिर अगर नंबर ऑफ यूनिट्स को कम करते हो तो आप यहां पर प्रॉफिट मार्जिन को एडजस्ट कर दो राइट नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन कम कर दो तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कम बट आप नंबर ऑफ जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको बढ़ा दो तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे तो यहाँ पर वही बात होता है कि आइदर यू क्रिएट वॉल्यूम और यू क्रिएट गुड मार्जिन तो इन्होंने क्या किया मार्जिन कम कर दिया लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट किया और उसकी वजह से इनको बेनिफिट हुआ और क्योंकि अदरवाइज आप चेक करो मासेस जो है मासेस जो आवाम जो है आवाम सस्ते प्रोडक्ट की तरफ भागता है ठीक है वो चाहे इंडिया हो चाहे कोई और फॉरेन कंट्री हो लगता है कि फॉरेन कंट्री बड़े सोफेस्टिकेटेड है बट पैसे देने में हर एक की लगती है राइट सो so आप चेक करो जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो भी किसके ऊपर फोकस करते हैं कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हैं और दैट इज हाउ दे गेट द बेनिफिट सो दिस इज हाउ दे हैव डेवलप्ड देयर कोर कॉम्पिटेंसी फर्दर अगर आप देखो कोर कॉम्पिटेंसीज आर द नॉलेज स्किल फैसिलिटीज विच आर नेसेसरी टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस द कोर प्रोडक्ट्स कोर कॉम्पिटेंसीज आर क्रिएटेड अब देखो ये वापस से रिपीटेड पॉइंट्स आ गए सुपीरियर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज राइट दे रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्टिव स्किल्स एज वेल एज इंट राइट ये आपको बेनिफिट्स आ जाता है कल्चरल कैपेबिलिटीज एंड ऑल दो थिंग्स ये आपके पास आया कोर कॉम्पिटेंस आप ये देखो ये वाला आया कोर कॉम्पिटेंस इज बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन

एंड ये एक चीज ध्यान रखना दीज कॉम्पिटेंसीज दे इमर्ज ओवर द टाइम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ एक्ूमुलेट एंड लर्निंग हाउ टू डिप्लॉय डिफरेंट रिसोर्सेज एंड केपेबिलिटीज आपके आंसर में ये जरूर होना चाहिए ये लाइन जरूर होना चाहिए कि कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो एक बार में डेवलप नहीं होता इट टेक्स टाइम आप यू नो जस्ट जाके चेक करना आप जस्ट वैसे नॉर्मली देखो जितने भी अभी अपने टॉप क्लास एक्टर्स हैं उनको आप चेक करना नाइनटीन नाइनटीज में क्या गज़ब के पिक्चरें उन्होंने बनाई थी राइट और कैसे कैसे पिक्चर्स उन्होंने बनाए थे और आज की डेट में आप देखो पिकअप अक्षय कुमार और लेट्स से शाहरुख खान सलमान खान किसी का भी आता है यूट्यूब पे एक चैनल है ट्राइड एंड कुछ है ट्राइड एंड टेस्टेड productions कुछ इस तरह से करके आप वहाँ पर चेक करना यू विल गेट और उसमें वो यही बताते हैं कि बॉलीवुड मूवीज का मजाक उड़ाते हैं और उसमें वो प्रोफेशनस आता है कि देखो कैसे कैसे पिक्चर बनाए थे मतलब एक उनका एक सेगमेंट है मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी मैं वो यही बताते हैं कि नाइन्टीज के पिक्चर में कुछ भी दिखाते थे तो और उसमें आप देखो आज की डेट में जो टॉप एक्टर्स हैं मतलब आज वो पिक्चर है रिलीज हो तो लोग लिटरल में मीम बना बना के उड़ा देंगे उन पिक्चर की तो यहाँ पर वही होता है कि कोर कॉम्पिटेंसी जो होता है कोई भी हो वो ओवर द टाइम डेवलप होता है अब विराट कोहली को भी देखो डे वन से विराट कोहली वॉज नॉट दी विराट कोहली उसको टाइम लगा चीजें सीखी उसके बाद में वो आया तो कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो आपका ओवर द टाइम यहाँ पर डेवलप होता है सो प्लीज यूज दिस लाइन इन योर आंसर ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन दोज कॉम्पिटेंसीज इन अ प्राइस वॉर एंड कॉस्ट कटिंग एनवायरमेंट देन अ कोर कॉम्पिटेंसी फुलफिल्स थ्री क्राइटेरिया दैट इट शुड प्रोवाइड पोटेंशियल एक्सेस टू वाइडली वाइड वेराइटी ऑफ द मार्केट देन इट शुड मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सी so, का ठी कोर कॉम्पिटेंसी आपको एक्सेस देगा टू डिफरेंट मार्केट कोर कॉम्पिटेंसी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देगा टू द कस्टमर बेनिफिट इसके अलावा आपका कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेटर कॉपी नहीं कर पाए क्योंकि अगर आपका कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेटर ने कॉपी कर लिया तो खत्म फिर आपके पास कस्टमर क्यों आएगा अब यहां पर फिर आपको एग्जाम्पल्स दिया हुआ है जैसे अब देखो हर एक का अपना अपना कोर कॉम्पिटेंसी होता है जैसे अगर आप स्मॉल रिटेल शॉप्स में देखो तो इनका कोर कॉम्पिटेंसी क्या है देखो पर्सनल सर्विस वो अंकल जानते हैं आप जाते हो हेलो हाई करते हो आप मुझे बताओ बिग बाज़ार में जाने के बाद कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने वहाँ पे कैश टेलर को पहचान लिया और उसको आपने बोला अरे हेलो कसा है राइट right? कभी बात किया आपने केम छो बाबा कभी आपने इस तरह से बात किया इट इज़ वेरी लेस दैट यू रिमेंबर ओके यही सेल्स पर्सन वहाँ पर था लेकिन आपके घर के पास में जो रिटेल स्टोर होता है वहाँ पर वो सेम अंकल रहते हैं तो आप उनको पहचानते हो आप उनको हेलो हाई बोलते हो देन एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स फ्लेक्सीबिलिटी वहाँ पर रहता है दे ऑल्सो गिव यू इजी क्रेडिट अरे अंकल मैं वॉलेट लाना भूल गया या अंकल वो फोन में गूगल पे अभी नहीं हो रहा सर्वर डाउन है मैं बाद में पेमेंट कर दूँ हाँ चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं फ्री होम डिलीवरीज वो कर देते हैं एमिकेबल स्टाइल ऑफ द ओनर राइट एमिकेबल स्टाइल ऑफ द ओनर मतलब जैसे गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जेठालाल का स्टाइल अपना कस्टमाइज पे राइट ये आपका वहाँ पर वर्क करता है एंड प्रॉक्सिमेटली वहाँ पर रहेगा सेम वे अगर आप बिग रिटेल स्टोर्स को अगर आप देखो तो बिग रिटेल स्टोर्स में क्या बेनिफिट हो जाता है मर्चेंटाइजिंग नोवी मीन बाय बाटाइजिंग वैरायटी वैरायटी आपके पास बहुत ज्यादा यहां पर वैरायटी रहता है और इससे क्या बेनिफिट हो जाता है कि आप कस्टमर्स को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाते हो अच्छा क्योंकि आप एक बिग रिटेल स्टोर हो जैसे कि बिग बाजार उनको पता है कि ये बहुत ज्यादा क्या करेंगे बेसिकली uh, ऑर्डर बहुत ज्यादा इनका रहेगा ह्यूज ऑर्डर इनका रहेगा राइट right. अब इनका अगर ऑर्डर ह्यूज रहेगा इन दैट केस ये कॉस्ट पे दबा सकते हो कि दस यूनिट लूंगा तो कितना डिस्काउंट दोगे अच्छा अगर मैं पचास लूंगा तो कितना डिस्काउंट दोगे अगर मैं सौ यूनिट लूंगा तो कितना डिस्काउंट दोगे सो so, आप एक जो दस यूनिट परचेज कर रहा है और एक जो सौ यूनिट परचेज कर रहा है डेफिनेटली उसके डिस्काउंट में भी डिफरेंस रहेगा तो सेम चीज यहां पर भी जाता है दैट सिक्योरिंग सप्लाईज विथ द लोअर कॉस्ट तो आपको पता है आप लार्ज ऑर्डर दे रहे हो और अगर आप लार्ज ऑर्डर देते हो तो आपका बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होता है रिमेंबर सो योर बारगेनिंग पावर विल बी स्ट्रॉन्ग राइट इन हाउस एक्टिविटी मैनेजमेंट आपके पास प्रॉपर रहता है कंप्यूटराइज ऑर्डर और बिल रहेगा तो उसमें आपका ट्रैकिंग काफी ईजी हो जाता है ब्रांडिंग आप बहुत अच्छा कर पाते हो जैसे डी मार्ट का नाम बोलते ही आप इमिडियली क्या कर लोगे यू कनेक्ट विद द ब्रांड एंड यू कैन परचेज राइट right? हितेश ने यहां पे पूछा प्रोक्सीमिटी का क्या मतलब होता है प्रोक्सीमिटी मीन्स द रिलेशनशिप प्रोक्सीमिटी मीन्स द रिलेशनशिप हाउ यू डेवलप दैट रिलेशन प्रोक्सीमिटी मीन्स दैट रिलेशनशिप जो आप वहां पर डेवलप करते हो ओवर द टाइम जो आपका यहां पर डेवलप हो जाता है जो आप कस्टमाइज टाइम वहां पर देते हो दैट इज प्रोक्सीमिटी राइट तो ये इनका कोर कॉम्पिटेंसी हो गया देन सुपर जो होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्पेट करते हैं उनका क्या होता है लोकेशनल एडवांटेज हाउ मेनी ऑफ यू नो लिंक रोड पे अभी जो गोरेगांव में गोरेगांव लिंक रोड में जो अभी मेट्रो स्टेशन बन रहा है नियर इन ऑर्बिट आपने देखा लिंक रोड पे इन ऑर्बिट मॉल के पास में मेट्रो स्टेशन का गेट वहां पर बन रहा है स्टॉपेज हो रहा है इससे फायदा किसको होगा आप देखो एक तो इन-ऑर्बिट मॉल को फायदा होगा और दूसरा फायदा यहां पर किसको होगा हाइपर सिटी राइट सेम वे आप चेक करो इन्फिनिटी मॉल मलाड इन्फिनिटी मॉल के पास में भी मेट्रो स्टेशन बना दिया क्यों बनाया लोकेशनल एडवांटेज भाई मेट्रो स्टेशन का गेट अगर पास में रहेगा तो आप फटाफट से वहां पहुंच जाओगे मेट्रो स्टेशन का गेट अगर पास में नहीं होगा तो कौन ऑटो करके जाएगा भाई मेट्रो स्टेशन के पास में जो भी है वहीं पर एंटर करो तो जो सुपर मार्केट से ये आपस में क्यों कॉम्पेट करता है बिकॉज ऑफ द लोकेशनल एडवांटेज हर कोई चाहेगा कि एक अच्छे प्राइम लोकेशन के अंदर हमें जगह मिले जैसे आप चेक करो कांदीवली महावीर नगर डी मार्ट वहाँ पर उसने एकदम सेंटर में डी मार्ट खोल के रखा है अच्छा इट इज़ महावीर नगर कैसा एरिया हो गया इट कैन केटर बोरीवली ऑल्सो एंड महावीर नगर कैन केटर कांदीवली ऑल्सो राइट right, बिल्कुल सेंटर में है वो आपका देन इधर आपका गोराई और ये वाला जो एरिया उनको भी वो बहुत अच्छे से कैटर करता है सो दिस इज द लोकेशनल एडवांटेज सो सुपरमार्केट हमेशा ये लोकेशनल एडवांटेज के लिए जाते हैं देन क्वालिटी एश्योरेंस कस्टमर कन्वीनियंस एंड शॉपिंग इन सब के ऊपर वो आपका जाएगा राइट right? सो so ये आपका अलग अलग कोर कॉम्पिटेंसी यहाँ पर डेवलप हो सकता है फिर आप देखिए क्वेश्चन आया हाउ टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी ध्यान रखना अभी तक इनके ऊपर कोई ऐसा चैसा क्वेश्चन मेजरली नहीं मिला है कोर कॉम्पिटेंसी पे आया हो बट इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा ऐसा आपको क्वेश्चन मिला नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है इसका यह मतलब भी हो सकता है कि इसके आने के चांसेस भी ज्यादा है राइट right, कि अभी तक नहीं पूछा कुछ अगर नया उनको पूछना हुआ तो वो यहां से आपको क्वेश्चन उठाकर देगा दैट आप कोर कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप कर सकते हो सो दिस इज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी कोई इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको देखो फोर स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दैट द फॉर्म्स कैन यूज टू डिटरमाइन दोज केपेबिलिटीज दैट आर कोर कॉम्पिटेंसी अब जैसे यहां पर क्या बताया देखो केपेबिलिटीज दैट आर वैल्यूएबल केपेबिलिटीज दैट आर रेयर केपेबिलिटीज दट आर कॉस्टली टू इमिटेड एंड केपेबिलिटीज विच आर नॉन सब्स्टिट्यूटेबल भाई जो बेनिफिट आपको फॉर्म ए के पास मिल रहा है जो चीज़ आपको फॉर्म ए दे रहा है वो कोई और फॉर्म आपको नहीं देगा नॉन सब्स्टिट्यूटेबल तो ये आ जाएगा आपका क्या कोर कॉम्पिटेंसी जैसे मैं आई डोंट नो हाउ मैनी इफ यू लाइक थियोब्रामा केक बट मैं लिटरल में ऐसे बोलता हूँ केक एंड पेस्ट्रीज अलग तरफ है थियोब्रामा के केक्स अलग है तो थियोब्रामा का केक को मैं नॉर्मल केक नहीं बोलता मैं वहां पर क्या बोलता हूँ दैट इज नॉन सब्सटीट्यूटेबल कि थियोब्रामा का जो केक है दैट इज डिफरेंट बाकी आप कहीं दुनिया का किसी का भी वर्ल्ड के किसी भी जगह का मेरे को केक ला खिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट थियोब्रामा का केक क्या है वो नॉन सब्सटीट्यूटेबल हो गया राइट right? सो so, ये आपके क्या बन जाते हैं केपेबलिटीज़ के लिए राइट right? सो so, आप यहां पर चेक करो जैसे वैल्यूएबल सो वैल्यूएबल केपेबिलिटीज आर द वन विच अलाउज द फॉर्म टू एक्सप्लॉयड अपॉर्चुनिटीज और एवॉड द थ्रेट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो पहली बार नाम सुना है हर्ष ओके सो नॉर्मली लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं थियोब्रामा का बहुत ज्यादा प्रमोशन करता हूँ वेन आई वॉज नॉट इन मुंबई मैं जब दिल्ली से बॉम्बे आता था सो आई यूज टू मेक श्योर कि रिटर्न टिकट जो मेरा बने वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले एयरलाइन के साथ हो ज्यादातर जेट एयरवेज बिकॉज इंटरनेशनल एयरलाइन के वहां पर जो टर्मिनल है वहां पर थियोब्रामा का काउंटर है एंड लिटरल में ट्राई डे यू ट्राई थियोब्रामा का केक इट इज लाइक अमेजिंग अमेजिंग द केक लिटरली मेल्ट डाउन इन योर माउथ इट्स वेरी नाइस जस्ट गो एंड ट्राई वंस यहाँ पे बोरीवली में जो अपना मैकडॉनल्ड्स है उसके पास में इसका स्टोर है आप चेक करना राइट right? एनीवे anyway, एक काम करते हैं जब अपना कोर्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा लॉकडाउन वगैरह कंप्लीट होगा तो आप लोग एक दिन क्लासेस में आना आई विल गेट द केक फॉर यू ऑल थियोब्रामा तो मेरी तरफ से थियोब्रामा का केक ड्यू आई गेट द केक दोनों टू ऑफ माई बोथ फेवरेट पेस्ट्रीज आई गेट दैट फॉर यू ऑल एंड वी कैन हैव अ पार्टी केक पार्टी फॉर दैट राइट चलिए आप देखो द यू नो इससे आप क्या कर पाओगे वेल्यूएबल कैपेबिलिटीज जो रहते हैं दैट अलाउस द फॉर्म टू एक्सप्लॉय अपॉर्चुनिटीज और द एवॉड इन दी एक्सटर्नल एनवायरमेंट देन अ फॉर्म क्रिएटेड वैल्यू फॉर द कस्टमर्स ये अगेन देखो आपने जो अभी यहां पर वैल्यू वाला जो पॉइंट पढ़ा था द सेम थिंग कस्टमर वैल्यू ये अगेन वहां से रिपीटेड पॉइंट आता है देखो अ फॉर्म क्रिएटेड वैल्यू फॉर द कस्टमर्स राइट बाई इफेक्टिवली यूजिंग द केपेबिलिटीज टू एक्सप्लॉय द अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस कंपनीज बिल्ड अ वैल्युएबल कॉम्पिटेंसी इन द फाइनेंशियल सर्विसेज तो बेसिकली वही रहेगा आपका रिपीटेड पॉइंट वैल्युएबल वाला राइट देन रेयर रेयर अगेन वही चीज हो जाएगा दैट इट शुड बी द रेयर कैपेबिलिटी इट शुड बी अ वेरी रेयर कैपेबिलिटीज तभी आप वहां पर मार्केट में अलग देखोगे राइट कैपेबिलिटीज पोजेस्ड बाय मेनी राइवल्स आर अनलाइकली टू बी सोर्स ऑफ कॉम्पटेटिव एडवांटेज इसका क्या मतलब हो गया देखो जो कैपेबिलिटी आपके पास है वही कैपेबिलिटी अगर आपके राइवल के पास भी है तो उससे आपको कॉम्पटेटिव एडवांटेज मिलना काफ़ी ज़्यादा कम है एक सिंपल एग्जाम्पल आप मुझे बताओ जियो अचानक से इतना हिट क्यों हो गया जियो इतना अचानक से हिट क्यों हो गया बिकॉज जियो ने प्राइसिंग को तोड़ दिया था करेक्ट इट वॉज रेयर वॉट जियो हैड डिलीवर्ड दैट वॉज रेयर कोई और डिलीवर नहीं कर पाया था प्राइसिंग में तोड़ा पहले फ्री दिया था एग्जैक्टली exactly, प्राइसिंग में तोड़ा सो दिस वॉज़ रेयर ये कैपेबिलिटी राइवल्स के पास नहीं था राइवल फ्री में ये सर्विसेज नहीं दे सकता था आप सेम वे चेक करो मैकडोनल्ड्स है इंडिया में और मैकडोनल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया में और क्या आया क्वालिटी भी ज्यादा दिया बिल्कुल करेक्ट क्वालिटी भी तो वही तो रेयर आपको यहां पर दिया मैकडोनल्स है मैकडोनल्ड्स के लिए आप देखो यस एक तो आपके पास के आ गया करेक्ट हां पहले केएफसी था केएफसी के बाद में और एक बर्गर कंपनी इंडिया में आया बर्गर किंग बिल्कुल करेक्ट अब आप चेक करो KFC और McDonald's का आप ये नहीं बोलोगे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन सब्बे को मैं McDonald's के अंदर नहीं डायरेक्टली कॉम्पीट करवाऊंगा बट अदरवाइज आप देखो तो ये तीनों आपको एक जैसे से कैफेज है सब्वे थोड़ा अलग कैटेगरी में आ जाता है सब्वे को बहुत सारे वो लोग प्रेफर करते हैं जो हेल्दी फूड खाना चाहते हैं सैलड एंड ऑल बट बर्गर के लिए ये दोनों अपना ये तीनों रेस्टोरेंट्स अपने कॉमन रहते हैं तो आप देखो मैकडोनल्ड्स और के में भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं था क्योंकि के के नाम से जैन लोग बाहर निकल जाएंगे प्योर वेज वाले बाहर निकल जाएंगे लाइक आई एम अ प्योर वेजिटेरियन तो के में जाने में, में मेरे को कई बार डर लगता है दो तो वहां पर भी वेज पी, पीस मिलेगा इधर भी बिल्कुल वैसा ही है बट के के नाम में चिकन है तो मेरे को थोड़ा सा वो मन में ऐसा आ जाता है कि अरे यार के एफ जाना है ओके बट अगर आप देखो तो मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग ये दोनों क्या थे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स थे करेक्ट एक जैसा ना मैकडोनल्ड ने ऑलरेडी प्राइस इतना ज्यादा तोड़ दिया था राइट right, कि बर्गर किंग जब आया तो वो प्राइस में मैकडोनल्ड के साथ बीट ही नहीं कर पाया तो ग्रेजुअली बाद में इसको भी वही करना पड़ा बर्गर किंग ने क्या बोला हम यूएस की एक कंपनी है हम क्या करेंगे वी विल गिव सुपीरियर क्वालिटी हम नए टाइप का बर्गर लेके आएंगे एग्जैक्टली exactly वैसे जैसे सी को कम्पीट करने के लिए आपके पास स्टारबक्स आया था लेकिन स्टारबक्स क्वालिटी वाला फीलिंग दिया Starbucks बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए एक आपका हब बन गया जो सीसीडी ने प्रोवाइड नहीं किया इसीलिए स्टारबक्स महंगा भी कॉफी देता है तो लोग उसके पास जाते हैं क्योंकि स्टारबक्स ने अपना वो ब्रांड क्रिएट कर दिया सो रेयर दिस इज रेयर ये चीज क्रिएट किया तभी कोर कॉम्पिटेंसी आया बर्गर किंग वो नहीं कर पाया इसीलिए बर्गर किंग उतना डेवलप नहीं हुआ जितना वो हो सकता था यार जितना वो प्लान करके आया था मैकडोनल्ड आज भी मार्केट लीडर है व्हेन इट कम्स टू द बर्गर मार्केट राइट के एफ भी उतना इसको इंपैक्ट नहीं कर पाया तो दैट इज व्हाट गोस द कैपेबिलिटीज़ प्रोसेस्ड बाय मेनी राइवल्स आर अनलाइकली टू बी सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर एनी वन ऑफ देम तो आप ये देखो इसके पास ऑलरेडी वो कैपेबिलिटी था भाई सस्ता सस्ता है बोला कस्टमाइज इंडियन फूड बोला कस्टमाइज इंडियन फूड है इसके अलावा बोला वो थोड़ा कार्टून वो वैसा हैप्पी वाला फीलिंग हैप्पी मील जैसे करके कि छोटे बच्चे वहां जाते तो वो यू you नो know, जो वहां पर वो बाहर पुतला रहता है उस पर बैठ जाएंगे उसके साथ फोटो खिंचाएंगे एक अच्छा सा डेकोर बोला वो सब है चेक बस इंसान को और क्या चाहिए बेस्ट काम तो सेम चीज यहां पर गया दैट आप के और बर्गर किंग इनके पास कुछ रेयर नहीं था कुछ अलग नहीं था टू काउंटर दिस ये यह पर आ गया आपका कोर कॉम्पिटेंसी के लिए ना कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रिजल्ट ओनली वेन द फॉर्म आप ये देखो द एडवांटेज विल रिजल्ट ओनली वैन द फॉर्म इज एबल टू डेवलप एंड द कैपेबिलिटीज एक्सप्ल डिफर फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स जो कि बेसिकली स्टार बक्स ने कर दिया स्टार बक्स ने अपना एक क्वालिटी डेवलप कर दिया एक क्लास डेवलप कर दिया कि अच्छा यार स्टारबक्स का कॉफी पी रहा है मतलब भाई सही बात है क्लास ही आदमी होगा राइट सो दिस इज हाउ इट गोस राइट फिर आप देखिए कॉस्टली टू इमिटेड

जो कि आवाम के समझ में आए लाइनेक्स है बट लाइनेक्स आपको सीखना पड़ेगा विंडोज आपको सीखना नहीं पड़ेगा विंडोज इज सो इजी एंड दैट इज द रीजन यू सी बिल गेट्स नंबर वन राइट वाई बिकॉज इट इज कॉस्टली टू इमिटेट आप देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपको सब्सटीट्यूट मिल गया आपको अडोब uh, और का सब्सटीट्यूट मिल गया अभी हम देखो हम जोडो पे क्लासेस कर रहे हैं राइट सो ये इन सब का यू नो सब सब्सटीट्यूट मिल गया बट अगर उसका सब्सटीट्यूट नहीं मिले देखो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल विंडोज नॉन सब्सिट्यूटेबल तो आपके लिए क्या है कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप है तो कॉस्टली टू इमिटेड में यहां पर देखो इंटेल हैज इंजॉयड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज मोर देन वंस बिकॉज इट इज रेयर फास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइकिल टाइम तो इन्होंने बेसिकली जो एस डी रैम जो इन्होंने एस रैम एंड डी रैम जो यहां पर इन्होंने डेवलप किया वो इनका फास्ट था और इसीलिए देखो आज के डेट में इंटेल इन साइड अपन वो बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी के लिए इंटेल इन साइड का एड है तो इसको कॉपी करना आज की डेट में इनके लिए क्या हो गया डिफिकल्ट हो गया क्योंकि इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया और ऐसा नहीं कि एक बार पैसा लगा के छोड़ दिया अभी भी कंटिन्यूसली उसको क्या कर रहे हैं ये लोग डेवलप कर रहे हैं नॉन सब्सिटेट्यूटेबल जैसे मैंने अगेन आपको माइक्रोसॉफ्ट के लिए बताया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर बनाना आपके लिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सो केपेबिलिटीज दैट डो नॉट है इक्विवेलेंट आर कॉल्ड एज नॉन सब्सिटेट्यूटेबल केपेबिलिटीज आप देखो पेबिलिटीज दैट डो नॉट है एग्जैक्ट इक्वेविलेंट नहीं है दोन सब्सिट्यूटेबल केपेबिलिटीज क्राइटेरिया फॉर केपेबिलिटी टू बी अस ऑफ कॉम्पिटिव एडवांटेज इज दैट देयर मस्ट बी नो स्ट्रेटेजिकली इक्वेविलेंट वैल्युएबल रिसोर्सेस दैट आर देम सेल्वस आईदर नॉट रेयर और इमेटेबल तो अगर वो रेयर नहीं है इमेटेबल है तब तो, तो, तो गया लेकिन आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इज नॉट रेयर और बेसिकली विच इज रेयर एंड विच इज नॉट इमिटेबल तो आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा बेनिफिट हो जाएगा तो so, जैसे यहां पर दिया फॉर द हैव ट्राइड टू इमिटेट टाटा लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी बट मोस्ट ऑफ हैव बीन अनेबल टू डुप्लीकेट द टाटा सक्सेस आप चेक करो टाटा नैनो अगर मैं बताऊं दैट्स द ओनली फ्लॉप टाटा नैनो इज द ओनली फ्लॉप प्रोडक्ट जो इन्होंने गलती हो गया और वो भी इनसे गलती किस में हो गया टाटा नैनो के मार्केटिंग में टाटा नैनो की इन्होंने मार्केटिंग जो कर दी कि सबसे सस्ता कार सबसे सस्ता कार बोल के जो इन्होंने मार्केटिंग कर दी यही इनके लिए गलती हो गया आई थिंक ये शायद आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी किया था आई डोंट नो आपके साथ किया या किसी और बैच के साथ मेरा डिस्कशन हुआ है ओके okay, सो so सबसे सस्ता कार बोलकर जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लेकर आए वो गड़बड़ हो गया बट अदरवाइज अगर आप देखो तो टाटा के लिए आपका क्या हो गया बेस्ट यहां पर हो गया दे डिड नॉट रियलाइज दैट टाटा एज अ यूनिक कल्चर एंड अट्रैक्ट सम ऑफ द टॉप क्लाइंट्स इन द इंडस्ट्री आप यहां पर चेक करना दी अदर डे मैं आप लोगों को वो लिंक भेजने वाला था बट आई जस्ट मिस्ड इट उसको पढ़ के मैंने छोड़ा वाई टाटा सॉल्ट इज स्टिल द बेस्ट इसका मार्केट शेयर टाटा सॉल्ट का सबसे ज्यादा क्यों इतने सारे यू नो सॉल्ट के और भी प्रोडक्ट्स हैं बट वाई टाटा सॉल्ट ज गॉट द बेस्ट मार्केट इसके हाँ, एक तो देखो ब्रांडिंग देश का नमक दूसरा आप देखो यहां पर क्या था टाटा सोल्ट काफी टाइम से है लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं सॉल्ट में देखो सोल्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्पेस सॉल्ट को रखने के लिए आपको जगह भी ज्यादा चाहिए इसके अलावा सोल्ट में जो मार्जिन होता है ना प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत कम होता है सोल्ट का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है टाटा सोल्ट कितने का आता है आई थिंक एक किलो सॉल्ट चालीस रुपए का आ जाता है तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा कम होता है सो so, जो शॉपकीपर है आप शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि भाई मैं एक इतना बड़ा मेरे पास रैक है इस रैक में मैं सॉल्ट रखू और उस पर मेरे को जैसे यहां पर सपोज करो मैं हंड्रेड पैकेट सॉल्ट के रखता हूँ एक पैकेट में मुझे दो रुपये का मार्जिन मिलता है तो आप देखो मुझे कितना फायदा होगा दो सौ रुपये का फायदा होगा चलो भाई इसका कोई कॉम्पिटिटर आएगा वो मेरे को कितना मार्जिन दे देगा तीन रुपये का मार्जिन दे देगा राइट right? बट तब भी कोई बहुत ज़्यादा सब्सटैशन नहीं होगा लेकिन इसी रैक में मैं कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को रखूँ या लेट से कोई डिओड्रेंट वगैरह को इन सब को रखू तो उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं टाटा सॉल्ट का बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर नहीं रखते मतलब इनके कॉम्पिटेटिव को ज़्यादा नहीं रखते कि भाई ठीक है यार टाटा सॉल्ट के अलावा हमें और कोई सॉल्ट चाहिए नहीं क्योंकि टाटा का ऑलरेडी एक मार्केट है लोग आते हैं टाटा नमक मांगते हैं और लेकर चले जाते हैं जल जाता है सो ये एक इनका क्या हो गया अगेन कोर कॉम्पिटेंसी हो गया और क्योंकि टाटा सॉल्ट जो है मतलब जो सॉल्ट है सॉल्ट हमारे ओवरऑल एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता मतलब अगर आप देखो कि अगर वो चालीस रुपया में एक के जी सॉल्ट आपको दे रहे हैं एक के जी सॉल्ट काफ़ी टाइम चलेगा आपका आज अपने घर पे एक बार मम्मी को पूछना कि मम्मी एक किलो सॉल्ट कितने टाइम तक चलता है तो काफ़ी सब्सटैशियल अगर चार जनों का फैमिली है तो सॉल्ट आराम से आपका लंबा टाइम चलेगा यस हर शेज टेलिंग टू टू थ्री मंथ्स तो अगर चालीस रुपये का सॉल्ट सपोज करो प्राइस बढ़कर पैंतालीस रुपया भी हो गया तो कस्टमर को अखड़ेगा नहीं उसको इतना तकलीफ नहीं होगा पांच रुपया एक्स्ट्रा पे करने का बट सपोज करो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप ऑलमोस्ट